बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस नवरात्रि मेकअप लुक। इसे आप बहुत ही ईजिली कैरी कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स जो आज मैंने इस वीडियो में यूज़ करे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, सो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आज का मेकअप लुक मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सो अगर आपको भी जानना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड हाँ गाइस, अमेजोन पर स्टार्ट होने वाली है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल फ्रॉम 3rd of October, जहाँ पर आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स, ऑफर्स एंड डील्स। तो आप जल्दी से जाके अपने प्रोडक्ट्स को विश लिस्ट कर लो एंड जब सेल आए तो उसे परचेज कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, इट वुड बी अ लॉट टू मी। एंड हाँ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर दो, प्लीज मुझे कर लेना। एंड लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्टिंग विद स्किन केयर, एंड क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल है जहाँ पे मैं आपको स्किन केयर से लेके पूरा मेकअप फिक्सर तक बताने वाली हूँ। सो स्किन केयर भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी प्लम का ग्रीन टी प्योर क्लेंजिंग फेस वॉश दिस, एंड गाइस स्मेल सो रिफ्रेशिंग। सो दिस इज़ द फेस वॉश। इसमें ना हल्के हल्के से यू कैन सी कि पार्टिकल्स हैं, लाइक ग्रीन से पार्टिकल्स हैं, आई डोंट नो किस चीज़ के हैं। सो मैं इसे अपना फेस वॉश करूँगी। एंड गाइस, मेकअप करने से पहले यू हैव टू वॉश योर फेस, नो मैटर आपने कितने पहले अपने फेस को वॉश किया हो, आपको मेकअप करने के तुरंत पहले एक बार वॉश कर देना चाहिए। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी टोनर, एंड टोनर के लिए मैंने लिया है गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट ग्लो टोनर दिस, एंड यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर रोज वाटर एज अ टोनर। स्किन स्प्रे थोड़ा सा वो ख़राब है, यहाँ डालती हूँ यहाँ जाता है। टोनर ना आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है, दैट्स व्हाई वी यूज टोनर। यूज़ करूँगी सीरम, एंड सीरम के लिए मैंने लिया है लॉरियल पेरिस का रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम दिस, एंड ये ना आपके स्किन को प्लम्प बना देता है इंस्टेंट वाला। इस सीरम के बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा सुन रखा है गाइस, ये ना आपकी स्किन को इंस्टेंट प्लम्प बना देता है एंड ऑल्सो आपकी स्किन को ग्लोई एंड जूशी बना देता है। सो या मेकअप के पहले आप इसे अप्लाई ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड हाँ, मैंने ये भी इसकी छोटी वाली बॉटल ले रखी है। इसे ना आपको जस्ट आपकी स्किन पर ना डैब डैब करना है, लाइक आपकी स्किन पर ना प्रेस करना है इसको, ताकि आपकी पोर्स के अंदर अच्छे से चला जाए। नेक्स्ट फॉर मॉइस्चराइजर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, आई थिंक गलत पकड़ा है दिस। सो यस, इसकी मैं जस्ट 2-3 ड्रॉप्स लूँगी एंड इसे पूरे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। गाइस, कभी भी मॉइस्चराइजर स्किप ना करें, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक आप स्किन केयर का कोई भी स्टेप हो कभी मिस ना करें, क्योंकि आप जितना अच्छा स्किन केयर करोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका मेकअप लगने वाला है। अभी से देखो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई टाइप की लग रही है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन की लिप बाम। गाइस, लिप बाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसे स्किप करते हैं ना, तो जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो आपकी लिप्स में जो क्रैक आ जाता है, लाइक क्रैक लगता है ना, वो इसी के कारण लगता है। ओके, सो अभी हमारी स्किन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है फॉर दी मेकअप। फॉर प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का डूई प्लस स्मूथ प्राइमर दिस, एंड इसका मैं थोड़ा सा लूँगी अपने बैक ऑफ हैंड पे एंड मैं अपना टी जोन एरिया को फोकस करते हुए इसमें अप्लाई करूँगी। गाइस, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, लाइक ये डूई एंड स्मूथ वाला है। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है, सो आप एक मैटिफाइंग वाला आता है, आप उससे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो आपकी स्किन को मैटिफाई करता है। मेरी स्किन तो ऑलरेडी ड्राई है, सो मैंने ये वाला यूज़ किया। नेक्स्ट फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन इन दी शेड 228 सॉफ्ट 10, आई थिंक या इसका शेड नेम यही है सॉफ्ट 10, एंड इसे मैं थोड़ा सा अपने बैक ऑफ हैंड पर लूँगी एंड मेबलिन का फाउंडेशन अगर आप एक से
लाइटर भी लेते हैं ना तो चलेगा, बिकॉज़ ये ना थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है. सो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आपकी नॉर्मल स्किन टोन से मैच हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसका वन शेड लाइटर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर. गाइज, अगर आप बिगनर हो ना तो यू हैव टू ट्राई दिस मेबलिन फिट मी वाला फाउंडेशन, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे शेड रेंज मिल जाएंगे. लाइक आपका हर एक शेड इसमें मिल जाएगा, इंडियन स्किन टोन के जितने भी हैं सारे मिल जाएंगे. एंड अगर नहीं मिलते हैं तो मिक्स मैच करके तो आप लगा ही सकते हैं. एंड ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. बस अगर आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र अगर आप अच्छे से लगा लेते हो तो बहुत अच्छा वर्क करेगा. एंड गाइज, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, इसका ट्यूब आपको मिल जाता है लाइक 300 के अंदर. सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, एंड कंसीलर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का HD कंसीलर पैन दिस. एंड इसमें मेरा शेड है स्टार्क न्यूड. सो ये वाला जो शेड है ना वो एग्जैक्ट मेरी स्किन का शेड है. सो इससे मैं थोड़ा सा अपने अंडर आइज पर अप्लाई करूँगी बिकॉज टू हाइड माई डार्क सर्कल्स. Little bit on my nose and little bit on. इससे मैं blend करूँगी with the help of mini beauty blender and blend करूँगी अच्छे से. आपका makeup जितना अच्छा blend होगा ना वो उतना अच्छा दिखेगा. Guys, Swiss Beauty के concealer इतने ज़्यादा मुझे पसंद है ना, like अभी ये जो new वाला है HD pen कंसीलर ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. नेक्स्ट थोड़ा सा अंडर आइज एंड टीजोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी हाईलाइटिंग कंसीलर. एंड फॉर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर दिस. एंड इसमें मेरा शेड है 04, आई थिंक शेड नेम इज नॉट मैंशन देयर. सो शेड नंबर इज 04. This is my all-time favorite trustworthy concealer, guys. इससे तो मैं आपको आँख बंद करके recommend कर सकती हूँ. आप अगर इसे कभी लेते हो ना तो कभी भी regret नहीं करोगे. And आप मुझे बाद में thank you भी बोलोगे. नेक्स्ट मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट पाउडर. यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी थी इसलिए मैंने फ़ैन को ऑन कर लिया था. एंड ऑन करने के बाद बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही थी माइक से, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है पूरी वीडियो में. यहाँ से आपको सिर्फ वॉइस ओवर ही मिलेगा. ओके, सो ये वाला जो कॉम्पैक्ट पाउडर है बहुत ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की आर्च अराइवल पेंसिल. दिस इज़ सो गुड. मतलब इसका ना आज जब से ये मेरे पास आई है ना तब से मैंने इसके अलावा कोई और पेंसिल यूज़ नहीं करी है अपने आईब्रोज़ के लिए, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी. एंड इसमें मेरा शेड है 04 या 04 इसमें मेरा शेड है. सो यस गाइस, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंसिल है ये. नेक्स्ट फॉर आई शेडो पैलेट मैंने लिया है लैक्मे एब्सोल्यूट का स्पॉटलाइट आई शेडो पैलेट. इसका मैं ये लाइट ब्राउन शेड लूँगी एंड इसे एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी. इसका ना थोड़ा सा ज़्यादा सा इसे फॉल आउट हो रहा था, बाकी इसके कलर्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये डार्क ब्राउन शेड एंड जस्ट मैं अपने ट्रांजिशन शेड के नीचे ही अप्लाई करूँगी. उससे क्या होगा कि आपके आई को ना थोड़ा सा कलर मिलेगा. सो आपको ना सबसे पहले आई शेडोज़ के लिए सबसे पहले आपको लाइटर शेड अप्लाई करना चाहिए, लाइटर से डार्कर शेड में जाना चाहिए. नेक्स्ट मैंने लिया है ये मेबलिन का कोलोसल काजल एंड इसे मैंने जस्ट थोड़ा सा फिल किया है अपनी आईलेट को. एंड इसे मैं स्मज कर लूँगी विद दी हेल्प ऑफ कप्स एंड लैशेज ब्रश. इससे क्या होगा कि हल्का से स्मोकी इफेक्ट मिल जाएगा, लाइक बहुत सॉफ्ट वाला स्मोकी लुक मैंने किया है, इसे लाउड वाला नहीं किया है. एंड देन मैं अगेन ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी एंड मैं अपने ब्लैक कलर को एंड डार्क ब्राउन शेड को मिक्स करने के लिए ले रही हूँ, लाइक उन दोनों के बीच में कोई भी हार्श लाइन ना दिखे इसके लिए मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दोनों कलर्स को.
नेक्स्ट मैंने लिया है ये डार्क ब्लू सा शेड्स, शिमर्स है इसमें थोड़ा सा, सो इसे मैंने अप्लाई किया अपने ब्लैक कलर के ऊपर, लाइक ब्लैक शेड के ऊपर अप्लाई किया। सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ गया था गाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल आईलाइनर। दिस इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट आईलाइनर, जो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एक मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने सेकेंड परचेज़ किया है, सो आप देख सकते हो कि मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट है ये। नेक्स्ट मैं तीनों शेड्स को मिक्स करके एंड इसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। हाँ, कभी भी अपने लोअर लैश लाइन को स्किप ना करना, क्योंकि इससे ना वो आपकी जो आईज़ है ना, आई का मेकअप है वो कनेक्टेड नहीं लगता है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्टोरिंग में एंड मैंने लिया है सुगर का कॉन्टोर पाउडर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक माय ऑल टाइम फेवरेट कॉन्टोर पाउडर है। मैं इसे हमेशा ही यूज़ करती हूँ, आप लोगों ने मेरे कितनी सारी वीडियोस में देखा होगा। सो इसे मैं अपने चीक कॉन्टोर करूँगी, फोरहेड एंड डबल चिन। सो आपको ना अपने फेस को कॉन्टोरिंग करना चाहिए, अगर आपका फेस थोड़ा ज़्यादा से ऐसे चबी चबी सा है तो कॉन्टोरिंग को कभी भी स्किप ना करो। नेक्स्ट मैंने लिया है फॉर ब्लश मेबलिन फिट मी का ब्लश इन दी शेड 16 एंड ये ना मतलब उतना ज़्यादा मुझे पिगमेंटेड नहीं लगा, लाइक पिगमेंटेड था बट कलर ही थोड़ा सा लाइट था बहुत ज़्यादा, सो इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा सा ऐसे दिख नहीं रहा है, बट मैंने थोड़ा सा मुझे लेयर अप करना पड़ा इसे, तो उसके बाद जाके इसका कलर मुझे आया है। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की बुलेट लिपस्टिक इन द शेड 969 बर्गंडी ब्लश एंड ये कुछ इस तरीके का कलर है। बहुत ही प्यारा वाइन सा डार्क सा शेड है जो कि फेस्टिव सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट फॉर फिक्सिंग माय मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का फिक्सर। गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप फिक्सर है, अगर आपका बजट है तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो यस एंड माय मेकअप इज़ डन। ओके, अभी नहीं हाइलाइटर बचा है, सो फॉर हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन दिस शेड रोज़ गोल्ड एंड ओ माय गॉड गाइज कैन यू सी द कलर, कितना सही कलर लग रहा है यार। सो इसे मैं अपने हाई पॉइंट्स में अप्लाई करूँगी, लाइक चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो, टिप ऑफ द नोज़ एंड बेसिकली वहाँ वहाँ जहाँ पे एकदम लाइट पड़ती है हमारे फेस पे, हमें वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए। सो यस, मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ एंड देन ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। एंड इसके बाद अगर आप कोई कॉलर बोन शो करने वाली कोई ड्रेस पहन रहे हो, सो यू हैव टू हाईलाइट योर कॉलर बोन ऑल्सो, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो यस, दिस इज़ द फाइनल लुक। कितनी छन छन की आवाज़ आ रही है ना। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड हाँ, बाजू में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसे देख सको। एंड अगर आप ये लुक क्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।